हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होमली रेसिपीज बाय प्रीथा। आज मैं आप लोगों के साथ एक कोरमा का रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। चिकन कोरमा या मटन कोरमा नहीं, आज मैं बनाऊंगी वेज कोरमा, वो भी सोयाबीन से। घर पे अगर कभी भी आपको कुछ स्पेशल खाने को मन करे छुट्टी के दिन, या फिर घर पे कभी गेस्ट आ जाए, तो ये आप ज़रूर बना सकते हैं एज अ स्पेशल डिश। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं वेज सोयाबीन कोरमा। सोयाबीन कोरमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 125 ग्राम सोयाबीन। मैंने यहाँ पे सोया मिनी चंक लिया है, जो छोटा वाला आता है। आप चाहे तो नॉर्मल सोयाबीन भी ले सकते हैं। सबसे पहले हमें सोया चंक्स को बॉईल करना है, तो मैंने यहाँ पे एक पैन में पानी ले लिया है और इसमें सोया चंक्स को डाल रही हूँ। फिर इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूंगी। नमक डालने के बाद हम इसको एक बार अच्छे से चला लेंगे और 3-4 मिनट तक इसको बॉईल कर लेंगे, जब तक ये सोयाबीन अच्छे से फूल ना जाए। 3-4 मिनट बाद हमारा सोयाबीन अच्छे से बॉईल हो चुका है। देखिए, ये अच्छे से फूल गया है। अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे, पानी निकाल लेंगे। तो अभी मैं इस सोयाबीन को एक बोल में स्ट्रेन कर रही हूँ। स्ट्रेन करने के बाद मैं तुरंत इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दूंगी और फिर हम इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे, ताकि सोयाबीन में बिल्कुल भी पानी ना रहे। स्क्वीज करने के बाद एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो देखिए, सोया चंक्स को मैंने अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो अभी मैंने एक पैन ले लिया है, पैन को गर्म कर लिया है। अभी मैं इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए, मैं इसमें ऑनियन डाल दूंगी। मैं यहाँ पे 2 मीडियम साइज ऑनियन को चॉप कर लिया है और इसको अभी हम फ्राई कर लेंगे। ऑनियन को कोरमा में बहुत ही अच्छे से फ्राई करना होता है। ऑनियन को फ्राई करते टाइम शुरू के 30-45 सेकेंड्स तक फ्लेम को हाई रखना है, उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर देंगे। तो देखिए, लगातार चलाते हुए मैंने ऑनियन को ऐसे गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लिया है। ऑनियन को मैंने एक बोल में निकाल लिया है और मैं अभी वही सेम पैन में थोड़ा सा तेल डाल दूंगी। मैं अभी फिर से 1 टेबलस्पून तेल इसमें डाल रही हूँ और अभी 1 टीस्पून घी मैं इसमें डाल दूंगी। कोरमा है तो कोरमा में ऑब्वियसली घी का फ्लेवर बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो वो फ्लेवर नहीं आएगा। और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाए, मैं इसमें कुछ खड़े मसाले डाल दूंगी। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 जावित्री का टुकड़ा, 1 दालचीनी, 3 छोटी इलायची, 2 लौंग, 1 तेज पत्ता, थोड़ा सा मैंने इसको तोड़ दिया है, और थोड़ा सा जीरा डाल दूंगी। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जब तक इसका एरोमा निकलने लगे। फिर मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अदरक लहसुन का रॉ स्मेल जैसे ही चला जाए, मैं इसमें टोमेटो और ग्रीन चिली का पेस्ट डाल दूंगी। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज टोमेटो और 2 ग्रीन चिली को पेस्ट कर लिया है एक साथ, और फिर अच्छे से ये मसाला को मिक्स कर लेंगे। फिर मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दूंगी। मैं यहाँ पे 1/2 टीस्पून हल्दी डाल दी हूँ और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। फिर इस मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को हमको तब तक भूनना है जब तक तेल निकलना शुरू ना हो जाए। जब तक मसाला भून रहा है, तब तक मैं एक बोल में 3 टेबलस्पून दही ले ली हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दूंगी और थोड़ा सा चीनी। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें ये दही और जो ऑनियन हम फ्राई करके रखे थे, इसका एक अच्छा पेस्ट बनाना है, जिसको हम मसाले में यूज़ करेंगे। 2-3 मिनट बाद हम देखेंगे हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। देखिए, ऑयल भी रिलीज हो गया है। इसी स्टेज में हम ऑनियन और दही का पेस्ट इसमें डाल देंगे। तो मैंने ऐसा एक फाइन पेस्ट बना लिया है, तो मैं इसको डाल रही हूँ। और डालते टाइम ध्यान रहे कि फ्लेम लो रहे गैस का। तो लो फ्लेम में हमें ये मसाला का मिक्स डालना है और अच्छे से फिर इसको मिक्स कर लेंगे।
और अभी मैंने गैस का फ्लेम मीडियम कर लिया है और इस मसाले को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और इसी स्टेज में मैं इसमें कोरिएंडर पाउडर डाल दूंगी, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून और काली मिर्च या ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ी देर ढक लेंगे, ढक के पका लेंगे। तो और 3-4 मिनट तक हमने इसको लो फ्लेम में पका लिया है और देखिए इसका भी ऑयल रिलीज हुआ स्टार्ट हो गया है पूरे मसाले का। इसी स्टेज में हम इसमें जो उबले हुए सोयाबीन है उसको डाल दूंगी, जिसको मैंने पानी झड़ा के स्क्वीज़ करके रखा था। तो इसको मैंने डाल दिया और अभी अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब फिर से हम इसको 1-2 मिनट तक मीडियम फ्लेम में पकने देंगे। और अभी मैं इसमें 1 कप पानी डाल रही हूँ, गरम पानी। इसको मैंने अच्छे से गरम कर लिया है। मैं ग्राइंडर में डाल के पेस्ट कर रही थी, उसी का जो बच गया था उसी में पानी डाल के मैं इसमें डाल रही हूँ, ताकि जो फ्लेवर है वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। पानी डालने के बाद मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अभी मैं इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ, फिर इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसी स्टेज में आप नमक भी चेक कर सकते हैं। मैं इसमें 1 चुटकी भर नमक डाल रही हूँ, मुझे कम लगा था इसीलिए। और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके मीडियम फ्लेम में और थोड़ी देर पकने देंगे। तो और थोड़ी देर बाद हमारा सोयाबीन कोरमा ऑलमोस्ट रेडी है। और इसी स्टेज में मैं इसमें 1 टीस्पून केवड़ा वाटर डाल रही हूँ। ये कोरमा में ही अच्छा लगता है इसीलिए मैं डाल रही हूँ। अगर आप केवड़ा एसेंस यूज़ कर रहे हैं तो फिर बिल्कुल ही कम डालिए, 1 या 2 ड्रॉप, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो अभी इसको एक बार अच्छे से फाइनल मिक्स दे दीजिए। तो अभी हमारा सोयाबीन कोरमा बन के रेडी है। इसका ग्रेवी ज़्यादा पतला नहीं होता है, ऐसे थिक होता है क्योंकि कोरमा है। तो अभी हम इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो देखिए हमारा सोयाबीन कोरमा बन के तैयार है। अगर आपको कभी घर पे नॉनवेज खाने का मन कर रहा हो लेकिन आपके पास चिकन मटन नहीं है, तो आप ये सोयाबीन से कोरमा ज़रूर एक बार बनाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा रोटी या पराठे के साथ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।